नमस्ते, मैं रूपा नामचुम, डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट। आज मैं चौखम की हूँ और हम लोग अभी पंचायत इलेक्शन के लिए टिकट मांगा गया था। मेरा चौखम में जनरल सीट है, नामसाई में महिला सीट है और लेकांग में जनरल सीट है। तो इसमें हम लोग मैंने अप्लाई किया टिकट। मुझे जनरल सीट होने की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला। मुझे कुछ दुख है, लेकिन मैं हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ नामसाई की महिला इतना दिन रात मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे नहीं चौखम से सिलेक्ट नहीं किया। फिर भी नामसाई से मेरा कैंडिडेट जो महिला जेड पी एम के लिए लाइक है दोनों, उसको भी नहीं चुना गया। इसी में हम लोग अफसोस है और ये मैसेज हम स्टेट लेवल में देना चाहती हूँ, नेशनल लेवल में देना चाहती हूँ। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज बैठक हुआ यहाँ पे। तो ऐसे पार्टी के लिए हम लोग बहुत पहले से, हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता जो इतना मेहनत से काम करते आया, तो आज रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को रिजेक्ट किया गया, पार्टी का तरफ से टिकट नहीं दिया गया। हम लोग बहुत दुखी है। तो मैं बाकी मेरा महिला दोस्त लोग को मैं मतलब फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। मैडम क्या बोलेंगे? मैं सृष्टि मायो पियोंग से हूँ। पहले जेपीएम थी, अभी भी मैंने अप्लाई किया था ये ट्रिन न्यू अंचल के लिए जेपीएम। एज ए हम बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नॉर्म्स में मैंने सुना था कि जो काम करता है उसको टिकट दिया जाता है, मैंने सुना था। इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी अप्लाई करूँ। हर काम पे हम निकलते हैं बीजेपी पार्टी में, लेकिन अब देखा है कि जो घर में बैठा हुआ है उन्हीं को टिकट मिला। हर वक्त हर बार अपना पार्टी के लिए हम लोग ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, उसी के लिए ही हम लोग अपना हर वक्त बिता देते हैं। तो ऐसे वाले को अगर टिकट ना मिलके, अभी जो सवानी होपाक है वो भी बुरी नहीं है, फिर भी उसको टिकट मिला गया है। वैसे हम लोग का निंगरू अंचल में तीन है, एक इंगलोंगकान, एक मैं और एक सवानी होपाक। मैं महिला मंडल, महिला मोर्चा के महिला प्रेसिडेंट हूँ और इंगलोंगकान है जनरल सेक्रेटरी और सवानी होपाक है सेक्रेटरी। हम तीनों ने अप्लाई किया है, लेकिन एक दिन भी सवानी होपाक ने अपना पार्टी का काम में नहीं निकला। इसलिए मुझे दुखी है, वो कैसे मिला? अगर उसको मिला तो कल को अगर जो भी यहाँ का कार्यकर्ता है, हम लोग का बीजेपी कार्यकर्ता है, कहीं उसको भी ऐसे ना हो काम करते करते थक जाए लेकिन उसको टिकट ना मिले, उसको बीजेपी पार्टी से सपोर्ट नहीं मिले, उसका क्या होगा? आज मैं अपना लिए नहीं बोल रही हूँ ताकि कल को कभी ऐसे ना हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आज आवाज़ उठा रही हूँ। जीत और मेहनत करे फिर है। उसके बाद में हमने जितना मेहनत करके किया है वो तो कर ही रहा है। आप पूछ सकते हैं हम लोग का MLA चौजिंगनू नामचुम जी से भी पूछ सकते हैं, आज सृष्टि मायो काम किया कि नहीं किया? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौ सुजाना नामचुम जी, उसको भी पूछ सकते हैं सृष्टि मायो काम किया कि नहीं किया? मंडल प्रेसिडेंट किंगखम चौतांग, उसको भी पूछ सकते हैं सृष्टि मायो काम किया कि नहीं किया? अगर मेरे जैसे काम कर करके भी अगर टिकट ना मिले तो कैसे होगा? आप खुद सोचिए। हम अपना CM उसको भी हम सवाल करते हैं कि क्या ये बीजेपी के नॉर्म्स है? अगर ऐसे है तो ठीक है, कल को शायद मेरा जैसा कोई ना निकले और होना भी नहीं चाहिए ऐसे। आज इसी दुख के कारण बीजेपी नॉर्म्स में ये भी है कि जो भी टिकट अप्लाई करे अपना रिप्लेसमेंट किसी और को देना है। तो मैंने ये सुना
सुनने के बाद मैं अपना जगह किसी और को देने के लिए मैंने हो गया लिख दिया। लिखने के बाद में अपना प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुजाना नमचुम जी को भी दे दिया। उसके बाद में आज हम लोग का जनरल सेक्रेटरी इन लोंगकान द्रुपति लोंगकान रेजिग्नेशन लेटर दिया, लेकिन सवानी हपक का कुछ भी नहीं है। उसने ना उसका जगह किसी को रिप्लेसमेंट दिया ना कुछ किया। वो मैं ये भी सवाल करती हूँ बीजेपी पार्टी से, यही है क्या बीजेपी का नॉर्म्स? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी चलेगा कैसा? आज हम कार्यकर्ता है उनका, कल को अगर ऐसे होगा तो होगा उनका कार्यकर्ता कोई? मेरा हक बनता है ये पूछने के लिए, इसने मैंने पूछा, उसमें कोई बुरा भी नहीं मानना है। और बहुत दुख की बात है अगर ऐसे है, इसलिए मैंने सोचा ठीक है काम करके भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, अपना पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला, इसने मैंने आज रिजाइन कर दिया मेरा महिला मोर्चा प्रेसिडेंट का पोस्ट, मंडल प्रेसिडेंट, हाँ मंडल प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा मंडल प्रेसिडेंट का पोस्ट रिजाइन कर दिया। कल क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब भी हूँ मैंने अपना पार्टी के लिए किया, पार्टी के लिए हूँ, और पता नहीं आगे क्या होगा। अभी भी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ अपना MLA चाउजिंगनू नमचुम जी से, उम्मीद भी करती हूँ, रेस्पेक्ट भी करती हूँ सुजाना नमचुम जी से, उसको भी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ मंडल प्रेसिडेंट किंगखम चौतांग सर से, हमारे वही इज्जत पहले जो था वही है और वही रहेगा। लेकिन ये जो वो लोग अन्याय कर रहे हैं पार्टी में वो गलत है, उसका मैं साथ कभी नहीं दूंगी। धन्यवाद, बस यही कहूंगी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मोर नाम हल गौतमी लोंगचट। मैं बीजेपी पुराना बहुत पुराना मानु, बीजेपी बहुत कष्टे थका मानु, बीजेपी काम करी आमी फास्ट बीजेपी नाम साइड अरुणाचल बीजेपी फर्म नहा आगते আমি বহুত মানে এই বিজেপিটো আমি চলালোঁ, না অফিচ আছে না কিবা আছে, আমি নিজৰ ঘৰত অফিচ বনাই কিনে আমি বহুত মানে কষ্টকে বিজেপিটো আগবঢ়ালোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া 2019ত এতিয়া যেতিয়া ইলেকশ্যন মানে আমাৰ হেৰি MLA ইলেকশ্যন তেতিয়া হৈ গ'ল, সেইটো টাইমত আমাৰ মানে চব মানে এই MLA চৌচিংলু নামচুমু নামচাইত MLA কিবা কৈ কিনে সি কণ্টেষ্ট কৰা সময়তে আমি বিজেপি পাৰ্টি চব মানে পুৰণা নতুন চব মিলাই কিনে তাক আমি তাক জিতালোঁ। আমিও বহুত কষ্ট কৰি কিনে তাক MLA বনালোঁ। আমি আশা কৰিছে একেলগত আমি কাম কৰিম বুলি। এতিয়া হ'ল মানে এছ এম পুৰণা বিজেপি মানে আমি বকাৰ হৈ কিনে মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হৈ কিনেও কাম বহুত কৰিলোঁ নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টত। এতিয়া বৰ্তমান মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টত আছোঁ। এতিয়া নামচাইত মানে মহিলা ছিট হৈ শুনি কিনে ময়ো এপ্লাই কৰিলোঁ। এতিয়া যিমানটো মোৰ আমাৰ মানে এতিয়া বিজেপি যিমান মোৰ আমি ইমান কষ্টকৈ কাম কৰা পোষ্ট মানে বিজেপি হিচাপমতে বিজেপি নিয়মমতে হেৰি হ'ব লাগিছিলে, সেইহেতি মানে কিবা বায়'ডাটা সিহঁতি খুজিছে কি হেৰি কৰিলে কি কৰা নাই, সেইমতে মানে টিকেটো পোৱা হ'ব, চিনিয়ৰিটি হিচাপত যাব পিনি কোৱা আছিলে। এতিয়া মানে সেইটো হাই কমানো সেইবিলাক চাইহে টিকেটবিলাক দিবলৈ ক'ব লাগিছিলে। এতিয়া হাই কমানো এইটো হিচাপত ৰুল হিচাপত ATB ধৰা হেৰি কৰা নাই, সেইটোৱে আমি মহিলা ৰিচাৰ্চিত হৈ কিনে মই পুৰণা মানুহ হৈ কিনে মই টিকেটটো পাম বুলি বহুত আশা কৰিলোঁ, সেইটো টিকেট নোপোৱাৰ কাৰণে ময়ো বহুত দুখ কৰিছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা ইমানেই, নমস্কাৰ।